जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम के सेकंड चैप्टर विभव एवं धारिता के अंतर्गत संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे, यानी द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक तीन होते हैं। इन तीनों कारकों के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब संधारित्र का निर्माण फैराडे ने किया था तो फैराडे ने संधारित्र के निर्माण के दौरान जो जो घटनाएं घटीं, जो जो क्रियाएं हुईं, उन्हीं क्रियाओं के आधार पर आज हम आपको बताएंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संधारित्र की धारिता का क्षेत्रफल। जो सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक है वो है प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल, अब एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें। हमने आपको बताया था, सपोज कीजिए जिस समय संधारित्र का निर्माण फैराडे ने किया था, आप अगर मान लें कि संधारित्र का एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, तो देखिए जब एक प्लेट यहाँ था और दूसरा प्लेट जब यहाँ था तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की पत्ती थोड़ी सी सिकुड़ती थी, यानी विभव थोड़ा सा कम होता था, यानी धारिता थोड़ी सी बढ़ती थी। लेकिन जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने ऐसे आ गए, जब संधारित्र की दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने आ गईं, यानी उनका क्षेत्रफल, प्लेटों का वह क्षेत्रफल जो एक दूसरे के आमने सामने होता है, जब वो क्षेत्रफल अधिक हो गया तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां सिकुड़ गईं, ज़्यादा सिकुड़ गईं। और स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां सिकुड़ गईं, इसका मतलब कि विभव कम हो गया, और जब विभव कम हो गया इसका मतलब कि धारिता बढ़ गई। तो अगर संधारित्र की धारिता C हो और प्लेटों का क्षेत्रफल A हो तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे संधारित्र के आमने सामने के प्लेटों का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे संधारित्र की धारिता भी बढ़ती जाती है, यानी संधारित्र की धारिता C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यानी प्लेटों का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे संधारित्र की धारिता भी बढ़ती जाती है। इसके बाद तो ये संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला पहला कारक था। इसके बाद दूसरा जो कारक है वो है प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो आपने देखा था कि जब दोनों प्लेटें बहुत दूर दूर थीं, समांतर प्लेट संधारित्र की जब दोनों प्लेटें बहुत दूर दूर थीं
तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की पत्थी थोड़ी सी सिकुड़ती थी, लेकिन ये प्लेटें जैसे जैसे एक दूसरे के नज़दीक आती गईं, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की पत्थी सिकुड़ती गई। पत्थी सिकुड़ने का मतलब विभव कम होता गया, विभव कम होने का मतलब धारिता बढ़ती गई, यानी दूरी कम हो रही थी तो धारिता बढ़ रही थी, दूरी कम हो रही थी तो धारिता बढ़ रही थी। एक को घटने से दूसरे का मान बढ़ता है, तो इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर प्लेटों के बीच की दूरी c हो तो c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, यानी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रम का मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और इसके बाद जो थर्ड संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक है वो है प्लेटों के बीच का माध्यम, यानी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। तो तीसरा कारक है प्लेटों के बीच का माध्यम। तो आपने देखा था कि जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात था तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की पत्ती सिकुड़ रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सिकुड़ नहीं रही थी। लेकिन जब दोनों प्लेटों के बीच में मोम अथवा तारपीन का तेल भर दिया गया, यानी प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, तो परावैद्युत पदार्थ भरने से संधारित्र की परावैद्युत पदार्थ भरने से स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की पत्तियां बहुत सिकुड़ गईं। बहुत सिकुड़ने का मतलब विभव बहुत कम हो गया, और विभव बहुत कम होने का मतलब धारिता बहुत बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे गए परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर कम परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच भरा होगा तो धारिता कम होगी, और अगर अधिक परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच भरा होगा तो उसकी धारिता अधिक होगी, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो ये तीन कारक रहे जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, और आपको पता है कि के माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो तीन कारकों में पहला कारक है सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सेकंड कारक है सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, एंड थर्ड कारक है सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। हमें उम्मीद है कि ये तीनों कारक आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखेंगे, परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य होता है, और देखें परावैद्युत सामर्थ्य की डिफिनीशन क्या है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन, वैद्युत भंजन का मतलब वैद्युत क्षेत्र टूटे न, वैद्युत भंजन का मतलब वैद्युत क्षेत्र का भंजन हो जाता है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उसे ही उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, या उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। इसके बाद आगे की कुछ और डेफिनेशंस हम लोगों को देखना है, जैसे भंजक विभवांतर क्या है, और फिर हम लोगों को देखना है कि संधारित्रों का संयोजन कैसे होता है। तो संधारित्रों के संयोजन का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो
आज हमें उम्मीद है कि जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं सब अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी आप कहेंगे, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिए ताकि ये फिजिक्स के जो इम्पॉर्टेंट टर्म आपको बताए जा रहे हैं सभी स्टूडेंट समझ सकें, सबको अच्छी जानकारी मिल सके। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।